बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल चुकी है। विक्रांत को हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगना पड़ गई है। 12th फेल में परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों ने विक्रांत को सर पे बिठा लिया था। अब वहीं से लोगों ने उन्हें जमीन पर पटक दे मारा है। अपने एक ट्वीट को लेकर विक्रांत बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। लोगों ने उनकी पूरी कुंडली निकालकर सामने रख दी है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद विक्रांत को अपनी पोस्ट हटानी पड़ी है और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। विक्रांत ने साल 2018 में भगवान राम और माता सीता को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने राम सीता का एक कार्टून शेयर किया था जिसमें देवी सीता हाथ में अखबार थामे हुए नजर आ रही हैं। कार्टून में वो भगवान राम से कहती हुई दिखती हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा अपहरण रावण ने किया था, आपने नहीं, मतलब आपके भक्तों ने नहीं। इस पोस्ट में विक्रांत ने कैप्शन में लिखा था, आधे पके हुए आलू और आधे पके भक्त सिर्फ पेट में दर्द ही पैदा करते हैं। इस पुराने ट्वीट की वजह से लोग विक्रांत को खूब जलील कर रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रॉल किया जा रहा है। अब इसी बीच विक्रांत ने लोगों से माफी भी मांगी है। उन्होंने अपना 2018 वाला ट्वीट डिलीट करते हुए लिखा है, 2018 के किए गए ट्वीट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी नीयत कभी भी हर्ट करने या इमेज खराब करने के लिए ही थी। यही बात कार्टून के बिना भी कही जा सकती थी जो कि न्यूज़पेपर में छपा था। जो लोग इसे हर्ट हुए हैं उन सभी से मैं माफी मांगता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर किस्म के मजहब को अदब से मानने वाला हूँ। हम सभी वक्त के साथ समझदार होते हैं और अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। वो मेरी गलती थी। विक्रांत का ये ट्वीट उस वक्त सामने आया है जब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनका भाई महज 17 साल की उम्र में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। विक्रांत ने बताया कि उनकी माँ सिख हैं जबकि उनके फादर ईसाई हैं। विक्रांत ने कहा कि पिता के ईसाई होने की वजह से वो भी ईसाई हैं। फिलहाल विक्रांत के और भी ट्वीट सामने आए हैं जिनमें उन्होंने हिंदुओं के बारे में काफी कुछ कहा है।